Hello everyone, how are you? I hope you all are fit and fine and taking good care of yourself. Today I am going to start part 3 of chapter number 7, Bihar's Train Board Link. In part 1, we learnt about facilities on railway station and about level crossing. In part 2, we learnt about bridge, and today we will start part 3. It was delightful to see the scene outside the window और खिड़की से बाहर के जो सीन थे वो देखकर बहुत ही खुशी मिल रही थी. Delightful means happiness. Fields full of green crops were visible nearby the riverbank area और नदी के आसपास, riverbank area यानी नदी के किनारे के आसपास fields देखने को मिल रहे थे. Fields means खेत, जो कैसे थे, they were full of green crops यानी कि हरे भरे खेत देखने को मिल रहे थे नदी के आसपास के एरिया में. इन सम फील्ड देयर वर फार्मिंग ऑफ बनानास, और कुछ खेतों में बनाना की खेती भी हो रही थी, मीन्स केले की खेती भी हो रही थी. ग्रीन ट्रीज आर ऑल अराउंड, और सभी जगह हरे भरे पेड़ थे. द ब्रीज वॉज वेरी गुड, और जो हवा चल रही थी वो भी बहुत ठंडी थी. आई हैड नेवर एक्सपीरियंस सच काइंड ऑफ कोल्ड ब्रीज इन गांधीधाम, यानी कि मैंने ऐसी ठंडी हवा कभी भी गांधीधाम में फील नहीं की थी. ऐसी ठंडी हवा का गांधीधाम में अनुभव नहीं किया था. We were busy in observing the scene when mama called on mother's mobile. और हम ये सारे सीन देखने में, observing means देखना, हम सारे सीन देखने में बिजी थे. तभी मामा का कॉल मम्मी के मोबाइल पर आया. He was coming to the railway station to pick us up. और वो हमें रिसीव करने के लिए, हमें लेने के लिए कहाँ आ रहे थे, रेलवे स्टेशन पर. So my mother told that our train is 2 hours late. And we will reach at 10:25 instead of 8:25. तो हमारी ट्रेन यानी 8:25 के बदले 10:25 पर पहुंचेगी, क्योंकि हमारी ट्रेन क्या 2 घंटे लेट है. हमारी ट्रेन 2 hours लेट है, मीन्स हमारी ट्रेन 2 घंटे लेट है. तो 8:25 के बदले 10:25 पर पहुंचेगी, instead of means के बदले. Next question, have you ever seen any bridge? So which? आपने कभी कोई ब्रिज देखा है, कौन सा? Yes. I have seen bridges like Subhas Bridge, Nehru Bridge. इंदिरा ब्रिज, एलिस ब्रिज, एक्स्ट्रा. हाँ, मैंने कौन कौन से ब्रिज देखे, सुभाष ब्रिज, नेहरू ब्रिज, गांधी ब्रिज, इंदिरा ब्रिज, एलिस ब्रिज, और भी काफी सारे पुल देखे मैंने. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर्स आर देयर इन योर एरिया? Think and write over that river at which places the bridge has been built. आपके एरिया में से कौन सी रिवर होकर गुजरती है, और सोचो और बताओ कि उस रिवर पर कौन से प्लेस पर, कहाँ पर ब्रिज बनाया हुआ है. So, Sabarmati River is in my area. There is a bridge on Sabarmati River. Ahmedabad
गांधीनगर इंदिरा ब्रिज। तो हमारे एरिया में से कौन सी रिवर निकलती है? साबरमती रिवर। और उस पर एक ब्रिज बना हुआ है रोड पर, जो रोड अहमदाबाद एयरपोर्ट से गांधीनगर जाता है, और उस ब्रिज का नाम है इंदिरा ब्रिज। हैव यू एवर क्रॉस्ड अ ब्रिज? वेयर? यस, आई हैव क्रॉस्ड अ ब्रिज व्हेन आई वेंट टू माय मामाज हाउस। देन आई सॉ अ ब्रिज एंड What did you see around the bridge? Next question. What did you see around the bridge? आपने ब्रिज के आसपास क्या देखा? I saw the river flowing under the bridge. मैंने ब्रिज के नीचे एक नदी देखी जो ब्रिज के नीचे से बह रही थी। I saw a temple and some huts on the banks of the river. और नदी के किनारे पर एक मंदिर था और कुछ झोपड़ियां भी थी। On the other side of the river, I saw lush green fields and trees in surrounding areas. और रिवर की दूसरी तरफ क्या था? तो लश्मीन फील्ड्स यानी कि हरे भरे खेत थे और पेड़ थे आसपास के एरिया में। फ्रॉम विच रिवर्स ब्रिज रियाज ट्रेन पास? सो रियाज ट्रेन पास ऑन द ब्रिज ऑफ रिवर साबरमती, वात्रक, विश्वामित्री, महिसागर, तापी एंड नर्मदा। Our train was passing through the big city. हमारे ट्रेन एक बड़े से शहर में से गुजर रही थी। On the way there were many bridges of road bridge. और रास्ते में, way means रास्ता, रास्ते में बहुत सारे ब्रिज थे। किसके? तो रोड ब्रिज के, means सड़कों के। On both sides of railway tracks, big buildings and markets were seen. और रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यानी इमारतें देख सकते थे और मार्केट यानी बाजार देख सकते थे। Father said that it is Surat city. पापा ने बताया कि ये सूरत शहर है। This city is famous for its diamond business and textile business in the world. और ये सिटी पूरी दुनिया में किस लिए जानी जाती है? वर्ल्ड मीन्स दुनिया। तो पूरी दुनिया में उसके डायमंड बिजनेस के लिए, मीन्स हीरा के उद्योग के लिए, हीरा व्यापार के लिए, और टेक्सटाइल बिजनेस यानी कपड़ा व्यापार के लिए जानी जाती है। This is the second big city. This is the second big city of Gujarat after Ahmedabad. ये गुजरात का दूसरा बड़ा शहर है अहमदाबाद के बाद। ट्रेन स्टॉप एट स्टेशन पे, और ट्रेन रुक गई जब स्टेशन आया तो। Many passengers were moving on the platform. प्लेटफॉर्म पर काफी पैसेंजर घूम रहे थे। Here somewhere people wearing different dresses were seen. और यहाँ पर कहीं भी अलग अलग तरह के ड्रेसेस, अलग अलग तरह के क्लोथ पहने हुए लोग दिखाई दे रहे थे। Some women had worn saree like dhoti. और कुछ यानी वुमेन थी, कुछ औरतें थी, उन्होंने साड़ी धोती की तरह पहन रखी थी। And while some men had draped white dhoti like lungi. और कुछ यानी पुरुषों ने, draped means लपेट रखना, तो उन्होंने लुंगी की तरह white dhoti लपेट रखी थी। Some people's language was also different. कुछ लोगों की भाषा एकदम अलग थी। Father said people of different states settled here for their business. So here people wearing different dresses have been seen. तो पापा ने बताया कि यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स के लोग अपने काम धंधे के लिए, अपने बिजनेस के लिए रहते हैं। सेटल मीन्स लिविंग, वो वहाँ निवास करते हैं, वहाँ रेसिडेंट करते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर अलग अलग तरह के लोगों को, अलग अलग स्टेट्स के लोग हम देख सकते हैं, जिनकी भाषा अलग है और जिनका पहनावेश, उनका ड्रेसेस भी डिफरेंट है। Father bought Sutarfeni and Ghari, which are the famous sweets of Surat. The train halted here for 5 minutes and then moved. यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकी और चल गई। Father said Vapi would come soon after Navsari and Valsad. पापा ने बताया कि अब नवसारी और वलसाड के बाद जल्दी वापी आने वाला है। We would reach Vapi within an hour. और यानी हम 1 घंटे के अंदर वापी पहुँच जाएंगे। Mother informed to Mama that Our train would reach at Vapi within an hour. और मम्मी ने मामा को फोन करके बताया कि हमारी ट्रेन 1 घंटे में वापी पहुंच जाएगी। हिमांश एंड आई वर हैप्पी टू रीच मामाज हाउस। और हिमांश और मैं खुश थे क्योंकि हम मामा के घर पे पहुंचने वाले थे। Our train was going to reach Vapi where we have to go down. अब हमारी ट्रेन वापी पहुंचने वाली थी जहां हमें ट्रेन से उतरना था। मामा called that they had reached at the station to pick us up.
और मामा ने फोन करके बताया हमें कि वो स्टेशन पहुंच गए हमें लेने के लिए। आवर जर्नी वॉज लॉन्ग बट हिमांश एंड आई एंजॉयड अलॉट। हमारा सफर बहुत लंबा था लेकिन हिमांश ने हमने बहुत एंजॉय किया। नाउ आई पेनिंग ऑफ माई डायरी। अब मैं डायरी लिखना बंद कर दूँ। पेनिंग ऑफ मीन लिखना बंद करना। अब मैं अपनी डायरी लिखना बंद करती हूँ। आई शुड राइट रेस्ट ऑफ द डायरी आफ्टर रीचिंग एट मामाज हाउस। अब मैं बाकी की डायरी मामा के घर पर पहुँच कर लिखूंगी। आई होप यू अंडरस्टूड चैप्टर नंबर 7। आई विल सेंड PDF ऑफ दिस चैप्टर इन अवर व्हाट्सएप ग्रुप एंड वी विल मीट सून इन अवर ऑनलाइन सेशन टू सॉल्व योर डाउट्स एंड क्वेरीज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।